बिल्कुल, आपने जिस तरह यंग लड़कों से तब्दील किया अपना बयान के वापसी की है हारिस सुहेल ने। सो अर्शद साहब, मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगी कि जब हम अपने यंगस्टर्स की बात करते हैं, अपने यंग लड़कों की बात करते हैं, हमने हारिस सुहेल की स्टेबिलिटी पास्ट में भी देखी है कि मतलब मेरे ख्याल से जब तक बाबर टीम में नहीं आए थे तो लगता था सबसे ज़्यादा टेक्निकली साउंड अगर कोई प्लेयर हैं वो हारिस सुहेल हैं, और हारिस सुहेल जिस तरह खेलते हैं हम सबको पता है। तो क्या यंग लड़कों में भी हमें इस तरह के रिलायबल प्लेयर्स दिख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के सर्किट में? जी है, यंग में भी है, लेकिन सवेरा बात वही आ जाती है कि आप जब तक डोमेस्टिक में थोड़ा लंबा उनको देते नहीं। अगर आप देखें हारिस सुहेल तो जब ये बाहर गया था तो ये बेसिकली T20 की परफॉर्मेंस से बाहर हुआ था, और फिर उसको 2 साल 2.5 साल इसको मौका नहीं मिला। अगर उसकी एवरेज आप देखें तो 46-47 एवरेज वाला कभी भी बाहर नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में कि एक फॉर्मेट में वो खेलते हैं, दूसरे फॉर्मेट से ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। इसी तरह अगर आप देखें अब्दुल्ला शफीक, वेरी गुड, वेरी जबरदस्त टैलेंट है, लेकिन अगर आप उसकी डोमेस्टिक देखें तो मेरे ख्याल में वो एक ही फर्स्ट क्लास खेल है। जब तक आप 25-30 फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेलते हो तो आप ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करोगे अपने रियल टैलेंट के थ्रू, लेकिन कंटिन्यू परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो डोमेस्टिक की परफॉर्मर जैसे अभी शाहिद ने बहुत जबरदस्त डिसीजन लिए, सरफराज 2-3 साल से बाहर आया, इसी तरह उसने हारिस सुहेल आया, अभी उसामा जो है ये भी डोमेस्टिक कंटिन्यू करके आया, मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त साइन है, बड़े बोल्ड डिसीजन उसने किए, और वो अभी इसी तरह मेरे ख्याल में अगर जितने देर तक वो रहता है तो अच्छे डिसीजन करेगा। बिल्कुल अर्शद साहब, हमारे ज़रा ये क्रिकेट का मसला रहा, एक तो हम क्रॉस फॉर्मेट पे डिसीजंस बहुत लेते हैं, एक फॉर्मेट में चल रहा है दूसरे में ड्रॉप कर देते हैं। जैसे काफ़ी सारे लोगों का ये ख्याल है कि खुशदिल शाह जब पाकिस्तान पिछले ओडीआई खेल रहा था तो खुशदिल ने अच्छे रन स्कोर किए थे, और उसको कम अज़ कम ओडीआई की फॉर्म की बुनियाद पर जो है पुराने मैचेस की फॉर्म की बुनियाद पर उसको होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो T20s में फेल हुआ है तो उसको ओडीआई में भी सेलेक्ट नहीं किया गया। वर्ल्ड कप का साल है अर्शद साहब, टीम को देख कर कितना लगता है आपको कि हम तैयार हैं वर्ल्ड कप के लिए, या ये वो खिलाड़ी हैं जिसमें से हम अपने बेस्ट प्लेयर्स को पिक करके वर्ल्ड कप के लिए खिला सकते हैं? क्योंकि ये भी नहीं हमें लगता कि शाहिद खान आफरीदी तो अभी इंटरिम बेसिस के ऊपर हैं, अभी वक्ती तौर से मौजूद हैं, हमें नहीं लगता कि शायद वो मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे। सो इतनी अनसर्टेंटी, आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप के साल में ये परेशान कुन अमल होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि अगर आप देखें आपके पास फास्ट बॉलर की बैटरी कंप्लीट है, आपके पास स्पिनर्स ऑलमोस्ट एक दो स्पिनर्स हैं आपके पास, जैसे शादाब और नवाज, अभी उसामा आया, इब्रार अहमद है, तो हमें मेरे ख्याल में इंडिया के, अगर आप इंडिया की वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हैं तो इंडिया में आपके पास 4 स्पिनर्स होने चाहिए, 3 जाएंगे, एक बैकअप पे रहेगा, तो ये आपकी बॉलिंग बैटरी तो कम्प्लीट हो गई। आपके पास बैटिंग में भी अब जैसे हारिस सुहेल आया, साथ में दो खुशदिल की बात आपने की, खुशदिल की डोमेस्टिक की अगर आप देखें तो वनडे की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है और इंटरनेशनल में भी अच्छी रही है। अनफॉर्चुनेट है कि वो T20 में नहीं कर सका, तो उस वजह से क्योंकि उसको बड़ा लिमिटेड कर दिया था कि 3 ओवर 4 ओवर आपको देंगे, थोड़ा सा हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस फॉर्मेट का प्लेयर है उस फॉर्मेट में उसको खिलाए, उसके पास अब जैसे सरफराज ने परफॉर्म किया तो हर बंदा यही कह रहा है कि जिसको वनडे में भी होना चाहिए था, लेकिन अगर आपके पास रिजवान है तो क्यों होना चाहिए था? तो ये हमारे थोड़ा सा हमें चीजें चेंज करनी पड़ेगी कि जो जिस फॉर्मेट पर परफॉर्म करे उसी में उसको खिलाया जाए, तो हमारी टीमें भी बन जाएंगी और हम बहुत आगे निकल जाएंगे।